वोवल वास के बारे में डिस्कशन करेंगे। वोवल वास क्या होता है और किन किन कंडीशनों में हम ये प्रोसीजर अप्लाई कर दिया, इस प्रोसीजर की हमें कब कब नीड होती है। मतलब वोवल वास मतलब कहीं ना कहीं ये आपका कॉलन एरिया को क्लीन करना या मतलब कहीं ना कहीं उसको इन्फेक्शन फ्री करना हो, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्या वोवल वास बोलते हैं, कॉलन को क्लीन करना। तो हम इसका अगर डेफिनेशन देखें तो हम क्या इसको अनदर थ्री नाम से भी हम जान सकते हैं। जैसे कि हम उसको वोवल वास को हम बोलते हैं कॉर्निक लेवास, तो वोवल वास को हम क्या बोल सकते हैं, कॉर्निक लेवास मतलब कॉलन एरिया को क्या करना, क्लीन करना। देन आपका नेक्स्ट इसको बोलते हैं इंट्रोसलाइसिस, मतलब इंट्रोसलाइसिस का मीन्स भी यही ना कि हम क्या कॉलन एरिया को एग्जामिनेशन करने के लिए उसको क्लीन करना। इज दी डिफाइंड एज वॉशिंग आउट ऑफ दी कॉलन, मतलब इसका मीन्स क्या होता है, डिफाइंड क्या है कि वॉशिंग आउट ऑफ दी कॉलन, मतलब कॉलन को क्या करना, वॉशिंग आउट करना या क्लीन, ठीक है, वॉशिंग आउट या क्लीन करना उसको, किसको, कॉलन को, क्या कहीं ना कहीं क्या है लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब किसी ना किसी लार्ज क्वांटिटी के सॉल्यूशन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो कॉलन एरिया है उसको एक प्रॉपरली क्लीन करना, वॉश करना, जिससे हम उसको क्या करते हैं, क्लीन रख सकें या उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें या इन्फ्लेमेशन को स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर सकें या कहीं ना कहीं उसमें एक प्रॉपर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को क्रिएट कर सकें या स्टिमुलेट कर सकें। उस कंडीशन में क्या करते हैं, कॉलन एरिया को क्लीन करते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, वोवल वास भी बोल सकते हैं या कॉलोनिक लेवास भी बोलते हैं या इंट्रोसेलोसिस भी बोल सकते हैं। मतलब इन तीनों कंडीशन का मीन सिंपल सा यही है कि कहीं ना कहीं आपका जो कॉलोनिक एरिया या कॉलोन है उसको क्या करना, क्लीन करना या उसको क्लीन एंड, जिससे कि हम कोई ना कोई इन्फेक्शन को ईजिली ट्रीट कर सकते हैं, उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, वोवल वास बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस, कि हम किस क्या पर्पस है वोवल वास करने के या वोवल एरिया को क्लीन करने के पीछे क्या क्या पर्पस है। तो पर्पस देंगे टू प्रिपेयर फॉर डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन, अगर हम किसी भी पेशेंट का कोई ना कोई डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं या कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं, उस कंडीशन में क्या करते हैं, वोवल वॉश करते हैं, जिससे कि एक प्रॉपरली और बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कर सकें और पेशेंट को एक प्रॉपर वे से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें और उसकी कंडीशन को हेल्दी ट्रीट कर सकें। नेक्स्ट है टू रिलीव इन्फ्लामेशन, नेक्स्ट क्या करने के लिए, इन्फ्लामेशन को रिलीव करने के, मतलब कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली वोवल वॉश करेंगे तो जो इन्फ्लामेशन स्प्रेड हो रहा है, जो इन्फेक्शन ग्रोथ हो रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली मिनिमाइज कर सकते हैं या रिड्यूस कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका टू स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो हम क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब कहीं ना कहीं वहाँ की जो मसल्स है उसमें ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं वो क्या प्रॉपरली आगे के लिए फूड को मूव नहीं कर रहे, तो हम कहीं ना कहीं अगर प्रॉपरली इसको वॉश करेंगे तो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो फूड को आगे के लिए मूव करने के लिए जो मूवमेंट होता है, जो बेब लाइक जो मूवमेंट है, उसको हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं स्टिमुलेट कर सकते हैं वोवल वॉश करके। नेक्स्ट है टू सप्लाई फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, हम कभी ना कहीं क्या करते हैं, कोई ना कोई फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की अगर सप्लाई कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, वोवल वॉश करते हैं, जिसकी हेल्प से हम इजीली क्या कर सकते हैं, जो भी एरिया, जो भी ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन इजीली अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो अच्छे से क्लीन नहीं होगा तो हम ड्रग को अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है टू रिमूव टॉक्सिक एजेंट, अगर किसी भी पेशेंट ने किसी भी टाइप का टॉक्सिन इनहेल कर लिया, टॉक्सिन ले लिया, उस कंडीशन में क्या है, टॉक्सिन एजेंट को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने, या कोई ना कोई ड्रग है, ड्रग रिएक्शन की वजह से उसकी बॉडी में टॉक्सिन बन गए, उस कंडीशन में क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, जिससे भी जो भी टॉक्सिक एजेंट है उसको ईजिली वहाँ से रिमूव कर पाएंगे। नेक्स्ट है टू क्लीन द कॉलन एंड और फिशेज एंड गैसेस, तो हम क्या कर सकते हैं, क्लीन करने के लिए किसको, आपके कॉलन को क्लीन करने के लिए हम ये प्रोसेस अप्लाई करें, जिससे कि हम जो भी वहाँ पे फीसेस जो कलेक्ट हो रहा है उसको इजीली वहाँ से रिमूव कर सकें, अगर जो गैसेस कलेक्शन हो रहा है उसको भी इजीली वहाँ से रिमूव करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं गैसेस एंड फीसेस को रिमूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कॉलोनिक या वोवल वॉश की प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वन है आपका टू ट्रीट इन्फेक्शन, अगर हम प्रॉपरली ट्रीट करने के लिए कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया कॉलोनिक एरिया में, उस कंडीशन में भी हम कॉलोनिक वॉश या हम वोवल वॉश की प्रोसीजर अप्लाई करें, जिससे कि हम जो इन्फेक्शन है उसको स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं और अर्ली उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर प्रॉपरली वहाँ के एरिया को वॉश करेंगे तो वहाँ पर जो माइक्रोजम है वो ग्रोथ नहीं करेंगे और डेवलप नहीं होंगे इजिली, अगर प्रॉपरली उसको वॉश किया चाहे तो उस कंडीशन में हम उसको वॉश करके हम इन्फेक्शन को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और ड्रग को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन अर्ली ट्रीट हो पाए। तो ये कुछ प्रोसीजर होती हैं किसके, वोवल वॉश प्रोसीजर को अप्लाई करने के। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड, कि हम कौन कौन से मेथड अप्लाई करते हैं इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के, तो इसमें मेनली थ्री टाइप्स के मेथड। तो फर्स्ट है फनल एंड कैथेटर, हम क्या करेंगे, एक फनल या कैथेटर अप्लाई करेंगे, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वोवल एरिया को ईजिली वॉश करते हैं, जो भी रिक्वायर, जो भी प्रिस्क्राइब सॉल्यूशन की नीड्स, मतलब जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उस सॉल्यूशन को यूज़ करके हम क्या करते हैं, फनल एंड कैथेटर की हेल्प से ईजिली जो वोवल एरिया है उसको कहीं ना कहीं हम प्रॉपरली क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका
टू ट्यूब मेथड। इसमें क्या होता है, टू ट्यूब मेथड होता है, जिसमें क्या होता है एक ट्यूब से कुछ भी लिक्विड या सॉल्यूशन एंटर किया जाता है, देन अनदर ट्यूब से क्या होगा जो भी वहाँ पर कंटेंट उसको रिमूव किया जाता है। तो हम टू ट्यूब मेथड का भी क्या है यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम इजीली क्या कर सकते हैं उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वाई कनेक्शन। वाई कनेक्शन ट्यूबिंग होती है जिसमें क्या होता है वाई से, मतलब उसमें टू ट्यूबिंग आएंगे और एक एंडिंग पोर्शन में एक सिंगल ट्यूब है, जिसकी हेल्प से हम इजीली क्या कर सकते हैं वोवल को क्लीन कर सकते हैं। जिसमें एक ट्यूब से हम क्या कर सकते हैं कोई ना कोई सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, अनदर ट्यूबिंग से क्या करेंगे जो भी वहाँ का प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है उस चीज़ को इजीली हम कहीं ना कहीं ट्रे वगैरह में स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से हम थ्री टाइप्स के मेथड अप्लाई करते हैं, कौन कौन सा, एक तो फनल एंड कैथेटर का यूज़ करके उसकी वोवल को अच्छे से क्लीन एंड वॉश कर सकते हैं। सेकेंड वन है आपका टू ट्यूब मेथड, ट्यूब जिसमें टू ट्यूब्स का यूज़ करेंगे, जिसमें एक ट्यूब से कोई ना कोई सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे, देन अनदर ट्यूब से जो भी वहाँ पे सॉल्यूशन इंटर होगा जो कोरोनेरियम से भी इन्फेक्टेड एड सेल्स है उनको रिमूव करते हैं सेकंड ट्यूब से। देन बाई ट्यूब से भी यही प्रोसीजर होता है, एक ट्यूब से हम कोई ना कोई सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे, देन अनदर ट्यूब से वहाँ पे जो भी इन्फेक्टेड पार्ट है उसको रिमूव किया जाता है। तो इस तरह से हम थ्री मेथड्स को अप्लाई करते हैं इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉल्यूशन यूज। अगर हम ये प्रोसीजर अप्लाई करने जा रहे हैं तो हम ये कुछ सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, जब हम ये प्रोसीजर अप्लाई करने जाते हैं तो कौन कौन सा सॉल्यूशन है आपका, टैप वाटर एंड कोल्ड वाटर। हमें नीड है कि टैप वाटर है तो टैप वाटर यूज़ करना, मतलब वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें कौन सा वाटर यूज़ करना है, तो टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं जनरली, हो या कोल्ड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं अगर डॉक्टर ने बोला है या प्रिस्क्राइब किया है। तो नेक्स्ट आपका नॉर्मल सलाइन, अगर हमारे पास डॉक्टर ने नॉर्मल सलाइन का प्रिस्क्राइब किया तो नॉर्मल सलाइन यूज़ कर सकते हैं। देन आपका सोडियम बाई कार्बोनेट सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, कितना 1-2% कितना 1-2% सोडियम बाई कार्बोनेट सॉल्यूशन यूज़ करेंगे जो भी हमारे पास वाटर वगैरह उसमें मिक्स करके हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, कितना रेजियो होना चाहिए 1/500 एंड 1:1000, ये इस रेजियो में हम क्या रखेंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे जो भी हमारे पास वाटर वगैरह जो टैप वाटर हॉट वाटर या कोल्ड वाटर जो भी वाटर है उसमें मिक्स करेंगे इस रेजियो में। नेक्स्ट आपका बोरिक सॉल्यूशन भी हम यूज़ करेंगे, कितना 1-2% जो भी अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। नेक्स्ट आपका टैनिक एसिड, क्या होगा आपका टैनिक एसिड भी यूज़ करेंगे, उसका रेजियो क्या रहेगा 1:100 रहेगा। नेक्स्ट आपका एलम, उसका भी रेजियो क्या रहेगा 1:100। तो ये हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है, इनमें से कोई भी सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं नीड के अकॉर्डिंग, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इनमें से कोई भी सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं पेशेंट की कंडीशन या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, देन ये हम अगर कुछ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विपमेंट, अगर हम कोई पेशेंट को ये प्रोसीजर अप्लाई करने जा रहे हैं तो हमें उस टाइम पर किन किन इक्विपमेंट की नीड होगी जिससे हम इस प्रोसीजर को परफेक्टली अप्लाई कर सकें या बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकें। तो कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए फनल एंड ट्यूबिंग विथ ग्लास कनेक्शन, तो हमें क्या चाहिए एक फनल की नीड होगी या एक ट्यूबिंग चाहिए विथ ग्लास कनेक्शन, जिसमें एक ग्लास का कनेक्शन हो जैसे कि जो भी फिशेज वगैरह रिमूव करें वो कहीं ना कहीं क्या ना हो उस एरिया को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट आपका मैकिंटोश एंड टॉबल, तो ये क्या यूज़ करेंगे हम मैकिंटोश का यूज़ करेंगे जिससे बेड शीट को या मैट्रेस को क्या ना डर्टी होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉवल का यूज़ करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं उस एरिया को अच्छे से क्लीन करने के लिए या वॉश करने के लिए। नेक्स्ट है आपका वैसलीन, हम क्या यूज़ करेंगे वैसलीन यूज़ करेंगे जिससे कि ईचिंग वगैरह को इजीली प्रिवेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका हॉट एंड कोल्ड वाटर इन जग्स, हम क्या रखना है हॉट एंड कोल्ड वाटर रखेंगे जग में, हम दो जग का यूज़ करेंगे जिसमें एक में हॉट वाटर एक में कोल्ड वाटर, जिस वाटर की नीड है उस वाटर का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका अब प्रिस्क्राइब सॉल्यूशन इन जग, जो भी सॉल्यूशन प्रिस्क्राइब किया नेक्स्ट हम प्रिस्क्राइब सॉल्यूशन इन जग, हम जो भी जो सॉल्यूशन प्रिस्क्राइब किया मतलब इनमें से कोई भी जो सॉल्यूशन प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने वो हम क्या करेंगे जग के अंदर फिल करके रखेंगे, हम नीड होने पर उसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है पेपर बैग एंड किडनी ट्रे का भी यूज़ करें जो भी डिसइंफेक्टेड कंटेंट मटेरियल उसको इसमें रखने के लिए। नेक्स्ट है आपका बकेट्स एंड टॉयलेट ट्रे या बेड पेन का भी यूज़ कर सकते हैं या टॉयलेट ट्रे यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं जो भी आपका कंटेंट जो इन्फेक्टेड कंटेंट उसको इसमें स्टोर करने के। नेक्स्ट आपका क्लीन लिनन का यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं पेशेंट को कवर करने की, जैसे कि हम उसकी प्रोसीजर अप्लाई करते हैं उसके बाद हम क्लीन लिनन का यूज़ करेंगे जिससे कि वहाँ पर अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट आपका थर्मामीटर का यूज़ करेंगे वाटर जो भी हमने हॉट एंड कोल्ड वाटर लिया है उसको टेम्परेचर को असेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बहुत थर्मामीटर। तो ये कुछ इक्विपमेंट हैं उनका हम यूज़ करते हैं जब ये प्रोसीजर अप्लाई करने जाते हैं। तो कौन कौन से आपका फनल एंड ट्यूबिंग विद ग्लास कनेक्शन, मैकिंटोश एंड टॉवल,
वैसलीन हॉट एंड कोल्ड वाटर इन जग, प्रिस्क्राइब सॉल्यूशन इन जग, पेपर बैग एंड किडनी ट्रे, देन आपका बकेट्स एंड टॉयलेट ट्रे या बेड पेन का यूज़ करेंगे, क्लीन लाइनन का यूज़ करेंगे, देन वॉट थर्मामीटर, तो ये सिर्फ इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम प्रोसीजर, अगर हम ये प्रोसीजर अप्लाई करने जा रहे हैं तो हम कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, पेशेंट को पास क्या करना है, जो भी इक्विपमेंट है उसको क्या करना है, पेशेंट के नियर दी क्या करना, नियर शिफ्ट करना है, बेड नियर दी बेड क्या करना है, हमें जो इक्विपमेंट है उनको शिफ्ट करना है। देन हमें क्या करना है, प्रॉपरली जो भी इक्विपमेंट है उनको अच्छे से अरेंज करना है, उनको क्लीन करना है, देन हमें हैंड वॉश करके उनको अच्छे से वहाँ पे बेड के पास अरेंज करना है। देन हमें क्या करना है, प्रोसीजर के बारे में पेशेंट को फुली एक्सप्लेन करना है। देन हमें क्या करना है, पेशेंट को प्राइवेसी मेंटेन करना है जिससे कि हम अच्छे से ये प्रोसीजर को अप्लाई कर सकें। देन हम क्या करेंगे, साइड लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को जिससे भी कोई कंफर्ट फील डिस्कम्फर्ट फील ना, मतलब जो भी उसको नीड है उसको हम की कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। देन हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है जो भी लिखे प्रॉपरली मैकन टू उसको अप्लाई करेंगे बेड के पास, जिससे कि जो भी आपका ड्रेनेज हो उसको कहीं ना कहीं क्या बेड सीट वगैरह खराब ना हो या गंदा ना हो या मैट्रस गंदा ना हो, उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कंडीशन के अकॉर्डिंग हॉट वाटर या कोल्ड वाटर का अप्लाई करेंगे। देन हम कहीं ना कहीं ट्यूबिंग का यूज़ करके, किसका आपका फनल या ट्यूबिंग का यूज़ करके हम क्या करेंगे कि हमने कोई भी मेथड, जैसे कि आप फनल एंड कैथेटर मेथड यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल सा फनल का यूज़ करेंगे, अगर ट्यूबिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दो ट्यूब रहेंगी जिसमें से दोनों को क्या करेंगे इंसर्ट करेंगे, जिसमें से एक में से क्या करेंगे जो कोई ना कोई सॉल्यूशन इंसर्ट किया जाएगा, देन सेकंड ट्यूब से जो भी ड्रेन होगा उसको हम क्या करते हैं ड्रेन कर देंगे, जो भी हम किसमें करेंगे आपका किडनी ट्रे बकेट्स वगैरह हम उसको स्टोर करेंगे। देन इस तरह से फुली हम अच्छे से वॉश करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से एरिया को क्लीन करना है जिससे कि वहाँ पे इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचा सके। देन इन्फेक्शन स्प्रेड होने के बाद हम प्रॉपरली क्या करना है, सारे इक्विपमेंट को अच्छे से क्लीन एंड वॉश करना है, देन हैंड वॉश करना है, एंड पेशेंट को गुड एंड कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना जिससे कि पेशेंट को गुड एंड कंफर्ट फील हो। इस तरह से हम ये प्रोसीजर को अप्लाई कर सकते हैं और पेशेंट के बॉबल को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या वोवल वॉश के बारे में डिस्कशन किया, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और ऐप को डाउनलोड करें जिससे आपको इस टॉपिक के नोट्स एंड अदर टॉपिक्स के नोट्स आसानी से मिल पाएँ। थैंक यू।